आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, सादर नमन। शानशाह की कहानियों में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपकी सेवा में 20वां संस्करण पेश कर रहा हूँ, जिसमें आत्मसरलता के प्रेरक प्रसंग दर्शाई गई है। पुनः मथुरा उत्तर प्रदेश के जमुना घाट जमुना पार एक गांव से दो युवतियाँ मक्खन व दही बेचने मथुरा शहर प्रतिदिन आया करती थीं। उनमें एक युवती का नाम गोपी तथा दूसरी का नाम भागीरथी था। दोनों प्रतिदिन मक्खन व दही बेचकर यमुना के किनारे बैठकर खाना जो साथ लेकर आती थीं मिल बैठकर खाती व बातें करती रहती। बाद में नाव द्वारा अपने गांव पहुंचती। ये उनकी नित्य दिनचर्या थी। एक दिन दोनों यमुना किनारे रेत में बैठकर खाना खा रही थीं कि भागीरथी ने गोपी से पूछा कि बहन, भगवान होते हैं क्या? गोपी ने उत्तर दिया कि मेरी दादी बतलाती हैं कि भगवान होते तो हैं, पर साधु संतों के पास ही होते हैं। कभी किसी साधु से बात करके भगवान देखने की कोशिश करेंगे। इतने में इत्तेफाकन एक संत उनकी ओर ही आ रहा था। उनके समीप रेत में उसने अपना झूला रखा और कमंडल में यमुना से जल भरकर दीर्घ शंका हेतु चला गया। युवतियों को याद आया कि इस साधु के झूले में जरूर भगवान होंगे, अतः जब तक वह लौटकर आए हम भगवान के दर्शन ही कर लें। युवतियों ने उसका झूला टटोला तो उसमें गीता, रामायण, गोपी चंदन, तुलसी माला आदि निकालकर बाहर रख दिए। तब उन्हें अंदर नीचे की ओर एक डिब्बा दिखलाई दिया जो मुश्किल से खुला, तो उन्हें डिब्बे में लड्डू गोपाल, गुलाबी रुमाल पर बैठे देखे। उन्होंने बाहर साफ कपड़े बिछा कर उन्हें बिठा दिया तथा बोली, कैसे बेचारे के हाथ पांव मोड़ दिए हैं बाबा ने डिब्बा में बंद करने के चक्कर में। दोनों युवतियाँ भगवान के हाथ पर सीधे करने का प्रयास कर रही थीं। अंत में गोपी ने भागीरथी से कहा कि थोड़ा सो मक्खन रखो है मेरी घड़े में लिया, मालिश कर देती हैं जाके डिब्बा में बैठे बैठे हाथ पैर अकड़ गए होंगे। मालिश करने से भगवान को कुछ मजाक सूझा तो भगवान के हाथ पैर मालिश के दौरान अचानक सीधे हो गए और वह खड़े हो गए। इतने में दूर से साधु को आता देख युवतियों ने भय से पुनः भगवान को डिब्बे में बंद करने का प्रयास किया, लेकिन वह खड़े ही रहे। इतने में साधु पास आ गया, लेकिन चूंकि उनका नियम था कि बिना स्नान किए सांकेतिक भाषा का प्रयोग ही करते थे, अतः युवतियों की तरफ क्रोध से देखते हुए यमुना स्नान को चली गई। युवतियों ने भगवान को डिब्बे में रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मूर्ति सीधी रही। साधु को लौटने पर जब मूर्ति को खड़ा देखा तो अभिभूत हो साष्टांग प्रणाम करने लगा, जिससे अचानक मूर्ति से उसका हाथ स्पर्श होते ही मूर्ति पुनः पिछली अवस्था में हो गई। जिसको देखकर युवतियाँ आपस में बोलीं, देखा भगवान को यह बाबा
कितना डरा के रखे। इसको देखकर भगवान पुनः पहली अवस्था में हाथ पैर मुड़ कर बैठ गए हैं। हम जब से प्रयास कर रहे थे तब हाथ पैर नहीं मुड़ रहा था। साधु भगवान को डिब्बे में रखकर रोता हुआ गंतव्य स्थान को रवाना हो गया, यह कहते हुए कि आज इन सरल युक्तियों के कारण भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए हैं, मेरी साधना तो व्यर्थ एवं प्रपंच युक्त ही रही है। फिर एक दिन रोजाना की तरह ये दोनों युक्तियाँ खाना खाकर बैठी थीं तो उन्हें आपस में चर्चा की कि आज हमारा दही मक्खन जल्दी बिक गया है तो टेम है ही, क्यों न आज मथुरा शहर के ढंग से घूम लिया जाए। अतः दोनों युवतियाँ शहर घूम रही थीं कि एक स्थान पर पंडित जी भागवती कथा कह रही थी। काफ़ी भीड़ जमा थी, सोचा हम भी थोड़ी देर बैठकर सुन लें पंडित जी क्या बोल रहे हैं। प्रवचन में पंडित जी ने बताया कि कृष्ण का नाम एक बार भी जपने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। कुछ देर समय कम होने के कारण युवतियाँ वापस यमुना किनारे लौट आईं तथा उन्होंने आपस में चर्चा की कि कृष्ण नाम की इतनी महिमा है कि एक बार ही बोलने भर से भव सागर पार हो जाता है, तो हमें तो केवल जमुना जी पार करनी है, क्यों न हम भी कृष्ण नाम एक बार लेकर जमुना जी पार कर अपने घर जाया करें। नौगांव से जाने में इतने पैसे खर्च होते हैं। अतः दोनों युवतियाँ यमुना किनारे जाकर हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना करने लगीं कि कृष्ण नाम से हमें परली पार जाने के लिए रास्ता प्रदान करें, हे गंगा जमुना मैया। उनके कृष्ण कहते ही जमुना जी ने उन्हें रास्ता दे दिया और वह आराम से अपने घर पहुंच गई। अब तो यह उनकी दिनचर्या ही बन गई, आते जाते कृष्ण नाम एक बार लेती और जमुना जी रास्ता दे देती। एक दिन दोनों के मन में आया कि पंडित जी की वजह से हमारे काफ़ी पैसे बच गए हैं, नहीं तो नाबालिग को देने पड़ते। इसलिए एक बार गुरु दक्षिणा में पंडित जी को घर बुलाकर भोजन करा देना चाहिए। विचार कर दोनों युवतियाँ उसी स्थान पहुँच गईं जहाँ पंडित जी कथा कहते मिले थे। इत्तेफाक से उस दिन पंडित जी उन्हें उसी स्थान पर मिल भी गए तथा सारा वृतांत उन्हें सुनाकर खाने पर आने का निमंत्रण दिया। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कल इसी समय लेने आ जाना। दूसरे दिन दोनों युवतियाँ पंडित जी को लेकर यमुना किनारे आईं तो पंडित जी बोले, कैसे चलेंगे, यहाँ तो कोई नौका दिखलाई पड़ नहीं रही है। तो युवतियों ने कहा कि नौका की क्या जरूरत है, कृष्ण नाम एक बार लेने भर से यमुना जी रास्ता देती हैं, आप हमारे साथ साथ चले आओ। यमुना किनारे खड़े युवतियों ने एक बार कृष्ण का नाम लिया और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। पंडित जी युवतियों के गहरे विश्वास एवं श्रद्धा से अभिभूत हो उनके साथ पीछे पीछे चल पड़े, भोजन किया और लौट चले। उन्होंने सोचा, चलो मैं भी लौटते वक्त जमुना जी ऐसे ही पार करके देखता हूँ। अतः यमुना किनारे खड़े होकर आंखें बंद कर 10-12 बार कृष्ण कृष्ण बोला और जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तपाक से पानी में डूब गए। बड़ी मुश्किल से बाहर भीगते हुए निकले तथा उन युवतियों को पूर्ण विश्वास को प्रणाम करते हुए घर वापस लौट गए।
पूर्ण समर्पण सहित श्रद्धा एवं विश्वास में ही शक्ति है। भक्ति मार्ग में शंका की कोई गुंजाइश नहीं होती। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया अपना कमेंट्स, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।